नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका संभव और आज हेलो मनी नाइन में सबसे पहले तो माफी क्योंकि हमने कार्यक्रम थोड़ा सा देर से शुरू किया है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम शुरू नहीं कर पा रहे थे लाइव सेशन, पर अब हाजिर है हम आपके वो तमाम सवाल जो ईपीएस से जुड़े हुए हैं उनका जवाब लेकर के। कोशिश यही होगी कि हम आपके मन में जो भी सवाल है उनको उनका ठोस जवाब दे सकें ताकि आप ये फैसला ले सकें कि आपको ईपीएस के तहत हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करना है या नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि अभी भी हमारे व्हाट्सएप के इनबॉक्स में, हमारे ईमेल में जितने सवाल आ रहे हैं उसमें एक कॉमन लाइन थ्रेड जो मुझे नजर आ रही है कि क्या मैं एलिजिबल हूं। तो आज इस सवाल का जवाब देंगे, मेरे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र सोलंकी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और ईपीएस पर लगातार पढ़ रहे हैं और हमें भी बता रहे हैं क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आज हम समझते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, किसके लिए ये बदलाव एप्लीकेबल हैं। जितेंद्र जी से हम बात करेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आ गया है सामने 9311121874 पर ईमेल कीजिए आप हमको money9query@tv9.com पर। साथ ही में इस लाइव ब्रॉडकास्ट के नीचे भी आप अपने सवाल हमें लिख करके बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं जितेंद्र सर से, और भेजिए अपने सवाल, इंतज़ार रहेगा। अपने सवाल को आप जितनी क्लैरिटी से लिखेंगे हम उसका जवाब भी उतने ही क्लैरिटी से दे पाएंगे, क्योंकि हम आपकी बात समझेंगे तो हम आपको स्पेसिफिक जवाब भी दे पाएंगे। तो भेजिए अपने सवाल, शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला जितेंद्र सोलंकी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सबसे पहला सवाल जो एक कॉमन थ्रेड जिसका मैंने अभी जिक्र किया ईपीएस को लेकर जो हमसे बार बार पूछा जा रहा है कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल बताइए कौन एलिजिबल है कौन नहीं ईपीएस 95 के तहत ज्यादा पेंशन पाने के लिए। प्रियंका जी, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये किस तरीके से शुरू हुआ और इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए, तो उससे ही एलिजिबिलिटी पता लग जाती है। तो 1995 का एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 8.33% ईपीएस में जाता था, जिसमें 6,500 पहले कैपिंग हुआ करती थी। मार्च 1996 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें ये कहा गया ईपीएफओ की तरफ से कि एम्प्लॉयर जो है वो 6,500 ना करके एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूट कर सकता है ईपीएस में, जिसके लिए 6 महीने का विंडो दिया गया था जॉइंट एप्लीकेशन डालने के लिए। उसके बाद कुछ एम्प्लॉयर ने एप्लीकेशन डाली, वो बाद में रिजेक्ट हुई, कुछ एम्प्लॉयर्स ने बिना एप्लीकेशन के कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया और आज तक वो कंट्रीब्यूशन चलता रहा 6,500 के ऊपर। फिर 2014 में ईपीएफओ ने अमेंडमेंट किया जिसमें ये जो एक्चुअल सैलरी का कंट्रीब्यूशन था इसको हटा के 15,000 की कैपिंग कर दी मैक्सिमम, कि 15,000 तक ही ईपीएस में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का माना जाएगा। ये लास्ट अमेंडमेंट था। इसके बाद फिर कुछ केसेस हुए जो कि ईपीएफओ ने काफी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, केसेस हुए हाई कोर्ट में हुए, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी अगर हम समझे तो दो कैटेगरी आ जाती है, एक वो जो 2014 से पहले रिटायर हो गई, एक वो जो 2014 के बाद वर्किंग है या वो रिटायर हो चुके हैं। ये दो कैटेगरीज हैं जो एलिजिबल होती हैं। अब ये इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगर हम 2014 से पहले जो रिटायर हो गए उनकी एलिजिबिलिटी समझे, पहली बात जिन्होंने पहले अमेंडमेंट के थ्रू ऑप्ट किया था और उनकी रिजेक्ट हो गई थी एप्लीकेशन वो, और दूसरा जो 6,500 से ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे थे ईपीएस में वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जो जो एज ऑन सितंबर 2014 वर्किंग है या इसके बाद रिटायर होते हैं, तो उसमें अगर हम समझे तो जो मेंबर है जिन्होंने लेकिन ऑप्ट नहीं किया और जिनका कंट्रीब्यूशन 6,500 से ऊपर रहा एम्प्लॉयर का, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बेसिक बनाए गए हैं और इसकी दो के अंदर पूरी एलिजिबिलिटी आती है। ठीक है, मैं एक क्लैरिटी और चाहती हूँ कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया था तो 3 मार्च तक की विंडो खोली थी, जिसे बढ़ाकर अब 3 मई 2023 कर दिया कि आप तब तक ऑप्ट कर सकते हैं। क्या 3 मार्च तक की विंडो के बाद जो लोग रिटायर हुए 2014 के पहले वो अभी भी कर सकते हैं, या जो रिटायर्ड हुए उनके लिए 3 मार्च 2023 तक की विंडो थी और वो अब नहीं अप्लाई कर पाएंगे, और जो नौकरी कर रहे हैं वो 3 मई तक कर पाएंगे? है वो एप्लीकेशन के लिए हुआ है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या जो डिसीजन में जो डेट फाइनल हो गई उसके अकॉर्डिंग ही एलिजिबिलिटी काउंट होगी।
ये जो डेट एक्सटेंड हुई है ये एप्लीकेशन के लिए हुई है, यानी कि आप 3 मई 2023 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जो लोग रिटायर हो गए वो भी अप्लाई कर सकते हैं अभी 3 मई तक? जो रिटायर हो गए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जो डेट है वो एक्सटेंशन हो चुका है 3 मई 2023 तक। ओके, इसका तरीका क्या होगा जितेंद्र, प्रोसेस क्या होगा अगर कोई चाहता है कि वो हायर पेंशन जो है विड्रॉ करे, उसे अपने रिटायरमेंट के बाद जब वो 58 साल का होगा उसके बाद ज्यादा पेंशन चाहिए तो उसे क्या फॉलो करने हैं स्टेप्स? देखिए ईपीएफओ ने कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस निकाल दिया है। अगर मैं ऑनलाइन प्रोसेस इलस्ट्रेट करूँ तो पहले आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉर अप्लाइंग फॉर हायर पेंशन। Okay. आप उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद उसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं, जिन्होंने पहले जॉइंट ऑप्शन दिया था लिया था, दूसरा एक कैटेगरी जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं लिया था अब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये दोनों कैटेगरी आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उस पर आप आगे बढ़ते हैं, आप एक नई विंडो पे जाते हैं, होम पेज खुलता है, वहां आपको अपना यूएएन नंबर देना होता है। यूएएन नंबर यूनिक नंबर है जो हर ईपीएफओ सब्सक्राइबर को मिलता है। इसके साथ आपको नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको जरूर इंश्योर करना है कि जितनी भी डिटेल आप दे रहे हैं ये पहले से ईपीएफओ में आप जो है अपडेटेड होनी चाहिए। अगर ये अपडेटेड नहीं है, मिसमैच होगा तो जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। जब आप आधार नंबर देते हैं डेट ऑफ बर्थ और नेम के साथ तो उसका वैलिडेशन होता है, जो नॉर्मल आधार का वैलिडेशन होता है थ्रू ओटीपी, इसका वैलिडेशन होता है। फिर आप इसको सबमिट करते हैं एप्लीकेशन को, ये एप्लीकेशन ईपीएफओ फिर आपके एम्प्लॉयर के पास भेजता है वैलिडेशन करने के लिए। वो भी पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है कम्प्लीटली, एम्प्लॉयर उसको डिजिटल सिग्नेचर या ई साइन के थ्रू जो है वैलिडेट कर सकता है। जब ये जॉइंट एप्लीकेशन आ जाती है तो ये रीजनल पीएफ कमिश्नर को जाती है। आपकी जो एप्लीकेशन है आपको एक रिसिप्ट नंबर मिल जाता है, उसको ईपीएफओ पूरी तरह से ई फाइल में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये ईपीएफओ के अंदर ये प्रोसेस के लिए चली जाती है और इसके बाद आपको इंटीमेशन मिलता रहता है या आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन किस स्टेटस पे है। तो ये पूरी तरह से कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रक्रिया है जो ईपीएफओ ने निकाल दी। और जितेंद्र जी, इसमें पेंशन कैसे बढ़ती है, कितनी बढ़ सकती है किसी के लिए, अगर एक एग्जांपल दे दें? मुझे पता है एक ठोस कैलकुलेशन आप के पास शायद नहीं होगा, लेकिन एक अगर हम समझना चाहें कि पेंशन कितनी बढ़ जाएगी। देखिए वो बात सही है क्योंकि ये तो ईपीएफओ ही बताएगा कि कितनी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन ईपीएफओ ने सिर्फ एक फॉर्मूला दिया है कि किस बेसिस पे पेंशन कैलकुलेट होती है। तो मैं एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। मान लीजिए आपकी बेसिक 40,000 है, बेसिक प्लस डीए मिलाना आपकी इतनी है। अब 12% ऑफ बेसिक 48,000 के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है वो 1,250 जाता है, बाकी आपका 3,550 वो ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है आपका। अब जो अगर आप ऑप्शन ऑफ करते हैं कि एक्चुअल पे जाना चाहिए तो आपका जो 40,000 है उसका 8.33% जाएगा, जिसको जो कि 3,732 है, यानी कि 1,250 पर मंथ कंट्रीब्यूशन ना होके वो 3,732 कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपका ईपीएस का जो एक्यूमुलेशन बनेगा वो बनेगा। अब पेंशन किस तरीके से चेंज होगी, मान लीजिए हम 15,000 की मैक्सिमम कैपिंग को लेते हैं क्योंकि और तो करंट सिनेरियो में अगर मान लीजिए कोई 25 साल का व्यक्ति है, वो 58 के साल में रिटायर होता है और इसको ऑप्ट नहीं करता है, तो उसकी पेंशन 15,000 के हिसाब से लगभग जो है वो 707 रुपए के अराउंड जो है पर मंथ बनेगी। कितनी कितनी बनेगी? 707 रुपए पर मंथ के अराउंड जो है बनेगी। ठीक है, ओके। लेकिन अगर वो हायर पेंशन को ऑप्ट करता है और आपकी 40,000 एवरेज सैलरी रहती है लास्ट के 5 साल में, ओके, तो उसको अगर फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाए तो यही पेंशन बढ़ के 18,000 के अराउंड हो जाती है, 18 से 19,000 के अराउंड। ये आप इंक्रीज पेंशन में देख सकते हैं। अब वही एवरेज सैलरी अगर आपकी 80,000 होगी तो यही पेंशन 37,000 हो जाएगी, यानी कि आपका पेंशन कितना बनेगा अब बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपके आखिरी के 5 सालों में क्या एवरेज सैलरी होने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा। आपने बताया कि 1,250 जो है वो 15,000 के हिसाब से जो है 8.33 जो है वो अगर कट रहा है और 1,250 रुपए का एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन जा रहा है, ये बढ़ करके अगर मैं हायर पेंशन के लिए करती हूँ तो 3,750 के आसपास जो है वो
40,000 का बेसिक अगर हम ले रहे हैं, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगी 3,750 मुझे देना होगा, ये कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, मैं करूंगी या मेरा एम्प्लॉयर, क्योंकि ये एम्प्लॉयर के हिस्से का अभी तक तो एम्प्लॉयर ही ईपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। नहीं, ये एम्प्लॉयर ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, इसलिए ज्वाइंट ऑप्शन का अवेलेबिलिटी है। और पहले भी जब अमेंडमेंट हुआ था तो अमेंडमेंट भी यही था कि 8.33% जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो बेसिक जो मैक्सिमम लिमिट है 6,500 उसको ना करके एक्चुअल सैलरी पे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन का आ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर को ये पैसा। ओके, तो ये एम्प्लॉयर की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो मेरी सैलरी पर इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा और मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन जो पीएफ में जाता है वो वहां से कम होगा। देखिए, अब स्ट्रक्चर वाइज डिपेंड करता है, अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के एडिशनल है, आपकी पीटीसी के एडिशनल है, उसमें काउंट नहीं होता है, तो आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये, जैसे हम जानते हैं कि बहुत से एम्प्लॉयर्स पीटीसी में इंक्लूड कर लेते हैं, तो वहां अगर होता है तो फिर वो आप ही के पैकेज का हिस्सा बनता है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो आपकी इनकम पे फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 8.50%। जैसा मैंने कहा कि ये अमेंडमेंट जो हुआ था वो यही हुआ था कि बेसिक मैक्सिमम कैचिंग के ना लेके इसको एक्चुअल सैलरी पे 8.50% एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है। ओके, तो एम्प्लॉयर की तरफ से ये कॉन्ट्रीब्यूट होगा, आपकी पेंशन जरूर बढ़ जाएगी जब आप 58 साल के होंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आखिरी के 5 साल आपकी बेसिक प्लस डीए किस लेवल पर है, उसी के आधार पर, उसी के एवरेज के आधार पर पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपकी बेसिक और डीए हायर साइड में है तो आपको हायर पेंशन मिलने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर है। आप कुछ सवाल जो हमें लगातार व्हाट्सएप से आ रहे थे जितेंद्र जी, मैं उनको आपके सामने एक एक करके रखती हूँ। डॉक्टर ओमवीर चौधरी का सवाल, जिस दिन हमने पहला ईपीएस वाला शो पिछले हफ्ते मंगलवार को किया था, उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया था, मेरे साथ अभी फोन लाइन पर भी हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं प्रियंका बोल रही हूँ मनी नाइन से, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है, मैं 2001 से 2016 ईयर्स सर्विस की थी बिट्स पिलानी राजस्थान में जी, और फिर 2014 से मुझे पेंशन मिलनी शुरू हो गई थी एट द एज ऑफ 58। ओके ओके, और रिटायरमेंट हुआ 2016, 2 साल के बाद। ठीक है, तो अब भी आज भी मेरी पेंशन आ रही है 1179 रुपीज पर मंथ। ओके ओके, और पीएफ मैंने सारा ड्रॉ कर लिया था एट द राइट टाइम, तो अब ये बताइए कि एम आई एलिजिबल। बिल्कुल डॉक्टर साहब पूछते हैं। जितेंद्र जी बहुत क्लियरली आपने सवाल भी पूछा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। 2016 में रिटायर हो चुके हैं, पीएफ विड्रॉ कर चुके हैं 1179 का इन्हें पेंशन भी मिल रहा है, अब क्या ये एलिजिबल होंगे? देखिए, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में जैसा मैंने कहा, जो लोग एज ऑन सितंबर 2014 सर्विस में थे या उसके बाद रिटायर हुए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलती है कि आप मेंबर होने चाहिए, और या फिर कंट्रीब्यूशन जो है आपका जो है कंट्रीब्यूशन 6,500 के ऊपर आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन दिया जाना चाहिए। पहले क्या था कि ईपीएफओ ने वो केसेस सारे मना कर दिए थे जिसमें कि आपने कभी अप्लाई ही नहीं किया था, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 6,500 के ऊपर। लेकिन अगर ऐसे केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि जिनका उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था उनके लिए भी जो है ये स्कीम एलिजिबिलिटी बनती है। तो अब बहुत निर्भर करता है कि क्या आपने 6,500 से ऊपर कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूट किया था आपके एम्प्लॉयर ने, या आपके एम्प्लॉयर 6,500 बेसिक को लेकर ही जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता रहा। मेरी okay. नजर में, तो क्या हम डॉक्टर चौधरी से ये सवाल ले सकते हैं क्या, वो हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं? डॉक्टर साहब क्या आप हैं हमारे साथ फोन लाइन पर? ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या 6,500 पर हुआ था या इससे ज्यादा हुआ था? नहीं, इससे ज्यादा पे नहीं हुआ, 6,500 पे ही हुआ। 6,500 पर ही हुआ, ओके, थैंक यू इस क्लैरिटी के लिए। जितेंद्र साहब ये कह रहे हैं 6,500 पर ही इनकी कटौती जो हो रही थी, जो कैलकुलेशन सारा हो रहा था, तो क्या ये अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं? जहां तक मैं समझता हूं, अगर आपके एम्प्लॉयर ने 6,500 से ऊपर ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो डिफॉल्ट माना गया कि आपने वो ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है या आप नहीं जाना चाहते, तो मेरी राय में फिर वो एलिजिबिलिटी नहीं बनती।
एलिजिबिलिटी एक ही सूरत में बनती है, आपने चाहे ऑप्शन ऑफ किया नहीं किया, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने 6,500 से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और वो कॉन्ट्रीब्यूट करता रहा, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। ओके, तो इस केस में डॉक्टर साहब शायद एलिजिबल नहीं हो रहे हैं जितेंद्र जी, जो हमें समझ में आ रहा है, राइट? हाँ, मुझे यही लगता है कि क्योंकि एम्प्लॉयर ने कि जो है वो कंट्रीब्यूशन 6,500 के अंदर ही किया, क्योंकि जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें आपको ऑप्ट करना था या कंट्रीब्यूट करना था एम्प्लॉयर को। ओके, ठीक है, डिफॉल्ट वो अमेंडमेंट डिफॉल्ट सब लोग नहीं गए थे। ठीक है, ओके। अगला सवाल पूछने के लिए राजकुमार सिंह राघव फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। नमस्ते सिंह साहब, प्रियंका बोल रही हूँ, बताइए आपका सवाल, हमने व्हाट्सएप पर देखा, पिक किया, पूछिए। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं 2020 में हिसाब ले लिया था मैंने कंपनी से, हेमला एम्ब्रॉयडरी फरीदाबाद से जी, और फिर मैंने उसके बाद में मेरी सर्विस थी 10 साल, मतलब 11 साल के करीब थी, तो मैंने 50 ईयर्स वाली पेंशन को ऑप्ट किया। ठीक है, तो 50 ईयर्स के बाद जो पेंशन मिलती है वो मुझे 1457 मिल रही है, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल होंगे हायर पेंशन के लिए, क्योंकि मैंने 2014 से जो 18 के बाद में मेरा 15,000 जो सीलिंग हो गई थी उसमें भी मैंने कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन कंट्रीब्यूशन मेरा वही गया है जो सीलिंग का था, ओवर नहीं गया, उससे ऊपर नहीं देती कंपनी। ठीक है, तो सीलिंग वाला जो 15,000 का जो सीलिंग थी उसके मुताबिक आपने जो है कंट्रीब्यूट किया है। 2009 से 2020 तक आप काम कर रहे थे, राइट? और 2020 में आपने रिटायरमेंट, 2009 से लेके 16 अक्टूबर 2020 तक जॉब किया मैंने। जी जी, सिंह साहब क्या ऑप्ट कर सकते हैं अभी जितेंद्र जी, आपको जो डिटेल्स हमारे पास है उसके मुताबिक? देखिए, अगर आपने 6,500 से ऊपर ज्यादा कंट्रीब्यूट किया आपके एम्प्लॉयर ने, तो मुझे लगता है वो एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, फिर आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2015 की जो सीलिंग है वो 2014 में ही लगाई गई थी, तो इसलिए वो तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो 6,500 से ऊपर की कंट्रीब्यूशन की है। तो मेरी राय में अगर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 6,500 से ऊपर जो पहले का अमेंडमेंट था, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर, बिल्कुल आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं इसके लिए। अजय गुप्ता उदयपुर से जुड़ चुके हैं, नमस्ते अजय जी, बताएं कैसे मदद करें आपकी। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि मैं जुलाई 92 से एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और लगातार सर्विस में बना हुआ हूँ, और हर बार मेरा बेसिक प्लस डीए का 8.33% काटा गया हर बार, जबकि हर बार मेरी जो सैलरी थी वो 5,000 के ऊपर थी, 6,500 के ऊपर थी और 15,000 के भी ऊपर थी जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी सैलरी तो ज्यादा थी और स्कूल से मेरा 8.33% ईपीएस के लिए काटा गया और उतना ही शेयर मेरे से भी लिया गया, बिल्कुल, तो क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ कि मैं हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करूँ, क्योंकि मेरा सैलरी का बेसिक प्लस डीए का पूरा 8.33% हर बार काटा गया। पूरे बेसिक का काटा गया या 5,000 और 6,500 और 15,000 के हिसाब से काटा गया है सर? बेसिक प्लस डीए का, बेसिक प्लस डीए हमेशा 5,000, 6,500 और 15,000 के ऊपर था, मगर काटा हमेशा सीलिंग पर ही। हाँ, वो काटा गया है वो सीलिंग के अनुसार, यानी हर बार। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ओके, और आप 1992 से काम कर रहे हैं, 1992 से काम और लगातार कर रहा हूँ मैं, 25 में रिटायर हूँगा जी। ठीक है, तो गुप्ता जी ने बहुत ही क्लियरली अपना सवाल पूछा है जितेंद्र सर, 5,000, 6,500 और 15,000 के हिसाब से ही जो है इनकी बेसिक और सैलरी से 8.33% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, ये फिट बैठते हैं हायर पेंशन पाने के लिए, एलिजिबल हैं? जहां तक मेरा मानना है शायद एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सीलिंग के अंडर में रहा है, कभी भी सीलिंग से ऊपर नहीं गया। 15,000 की जो सीलिंग थी वो 2014 में लगाई गई थी, तो 2014 के बाद 15,000 से बेसिक कट रहा होगा, उससे पहले अगर वो 6,500 के अंदर बेसिक कट रहा तो वो सीलिंग के अंडर में रहा। अगर कभी ऑप्ट नहीं किया है इनके एम्प्लॉयर ने और रिजेक्ट नहीं किया ईपीएफओ ने, तो शायद एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। एक ही सूरत में एलिजिबिलिटी बनती है कि कभी आपके एम्प्लॉयर ने अप्लाई किया हो और ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिया हो, तो फिर आप जो है दोबारा से यहाँ पे अप्लाई कर सकते। ओके, माफ कीजिएगा, हमने गलत इन्फॉर्मेशन एक जो लिखी, दिसंबर 2023 थी, अभी खुद बताया जिसने 2025 में वो रिटायर हो रहे हैं, हमने शायद वो कैच गलत किया, लेकिन आप शायद इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि वो सीलिंग के अंतर्गत ही आपके एम्प्लॉयर ने बार बार कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन आपको एक बार ईपीएफओ में भी जाके अपनी क्वेरी डालकर इस पर क्लैरिटी जरूर लेनी चाहिए। शिवम ठाणे से जुड़ रहे हैं, नमस्ते शिवम, पूछिए अपना सवाल, कैसे हैं आप?
हाँ मैडम, मैं जैसा कि 2018 में बीआरएस लिया, ओके, तो मेरा जो पेंशन अंशदान में जो गया है, उस पेंशन का पाने के लिए अपने क्या क्या करना पड़ेगा? 2017 में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, अभी आपको पेंशन मिल रही है? सॉरी, 2018 में मैडम। अच्छा, और अभी आपको कुछ पेंशन मिल रही है 3,170 रुपए के आसपास? नहीं, अभी कुछ नहीं मिल रहा है मैडम। अभी पेंशन नहीं मिल रहा? और आपकी बेसिक कितनी थी? बेसिक कुछ 13.5-14 के लगभग थी। ओके, चलिए, तो जितेंद्र जी, क्या ये फिट बैठते हैं, क्या ये अप्लाई कर पाएंगे? नहीं, मेरा लगता है इनका सवाल वो पेंशन मिलने का है कि पेंशन कब से इनको मिलेगी। तो पहली बात तो ईपीएस 58 के बाद आपको ईपीएस में पेंशन मिलना शुरू होता है, और एलिजिबिलिटी हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी डिपेंड करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा और एम्प्लॉयर ने क्या कभी ईपीएफ में अप्लाई किया था। शिवम, आप हैं क्या हमारे साथ? आपको पेंशन अभी मिलने शुरू हुई है या नहीं हुई है? शिवम, क्या आप हैं मेरे साथ अभी? हाँ बोलो ना मैडम, मेरा पेंशन अभी चालू नहीं हुआ है। मेरा एज जो है 46 है। ओके ओके, तो वही अभी जितेंद्र जी ने कहा कि आप जब होंगे ना 58 इयर्स के, तो उसके बाद आपको पेंशन मिलने शुरू होगी, तो आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, तो वो तो इंतजार करेंगे मैडम, लेकिन अपने को इसका प्रोसीजर क्या करके रखना पड़ेगा वो अपने को जानकारी चाहिए था। ओके ओके, ठीक है शिवम जी, कुछ समझ नहीं, क्या करें ये अभी, इनको क्या करना चाहिए जितेंद्र जी कि पेंशन मिलना शुरू हो जाए 58 में? हायर पेंशन से जुड़ा हुआ आपका सवाल नहीं, बस आपको कैसे पेंशन मिले आप यही जानना चाह रहे हैं, राइट? हाँ हाँ मैडम। ओके ओके, ठीक है, अब क्लैरिटी आ गई है। तो शिवम भाई पूछ रहे हैं कि 58 साल में, अभी 46 साल के हैं, 2018 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो पेंशन कैसे मिले 58 साल के जब होंगे? तो उसके बाद को, क्योंकि अभी ऑनलाइन प्रक्रिया आ गई है, तो जब ये 58 होंगे तब तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। तो मुझे लगता है ईपीएफओ पे इनको अप्लाई करना होगा और उसके बाद इनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने अप्लाई करा हुआ है उनको ईपीएफओ से इंटीमेशन आता है और उनको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके और आपकी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। पहले ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक ऑफलाइन होता था, मुझे लगता है कि जब तक इनको पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी तब तक ऑनलाइन हो जाएगा। अभी इनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको जब जरूरत पड़ेगी जब इनको पेंशन मिलना शुरू होगा, तो अभी इनके पास टाइम है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मुझे नहीं लगता अभी करने की जरूरत है। ओके फाइन, तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, जब आप उस एज के करीब पहुंचेंगे तब आपको जाकर के ईपीएफओ की वेबसाइट पर कुछ डिटेल्स डालनी पड़ सकती है। आई एम श्योर उनके पास आपका यूएएन नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स होंगे, आप जाके अभी भी चेक करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो जब आप देखिए, जो ईपीएफओ पे ये अपना सारा डिटेल डालेंगे वहां पे इनको अपना स्टेटस दिख जाएगा, ये रिटायर हो चुके हैं या ऑन जॉब है। पर सिर्फ इतना कि अगर इनका स्टेटस अपडेटेड नहीं है तो ये उस स्टेटस को अपडेट करा सकते हैं, वरना अगर इनका ऑलरेडी स्टेटस अपडेटेड है कि ये बीआरएस हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन कराने की जरूरत है। ठीक है, कौस्तुभ जी का सवाल लेते हैं जो लाइव उन्होंने हमें भेजा है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ कौस्तुभ, अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ आप वहीं नीचे लिख दीजिएगा, लेकिन मैं इसको लेने की कोशिश करती हूँ कि जो भी एम्प्लॉयज़ ईपीएस में रजिस्टर्ड हैं वो जब नौकरी बदलेंगे तो क्या वो हायर पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं? क्योंकि ईपीएस रजिस्ट्रेशन तो वन टाइम प्रोसेस है। जितेंद्र सर, आप इनको बता पाएंगे, आप समझ पाए ये सवाल इनका? नहीं, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि अगर आप आज की डेट में जॉब चेंज करेंगे तो बेसिक कितनी है आपकी सब उस पर निर्भर करता है। 15,000 से ज्यादा बेसिक है तो ईपीएस की एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, तब तो आपके लिए ईपीएस है ही नहीं, तो फिर तो वो मामला वहीं पे खत्म हो जाता है कि अब तो ईपीएस अवेलेबल ही नहीं है। अब वो तो अगर उससे पहले का आपका आपने कोई जॉब चेंज करी है और के बाद भी ईपीएस कंट्रीब्यूशन चलता रहा है तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए, क्योंकि जो गाइडलाइंस है वो एज ऑन सितंबर 2014 को एलिजिबिलिटी जो उस टाइम पे वर्किंग है, आज भी वर्किंग है, एज ऑन सितंबर 2014 की वर्किंग स्टेटस उनका क्या था उस पर निर्भर करता है। तो डिपेंड करता है कि ये जॉब चेंज किस समय की बात कर रहे हैं। अगर आज के समय में करते हैं तो आज के समय में ये जो नई जॉब ज्वाइन करेंगे वो नए नियम के अनुसार होगी। जो भी हम जितनी हम चीज की डिस्कशन कर रहे हैं वो एज ऑन सितंबर 2014 में वर्किंग है या उसके बाद अगर वर्किंग है
और वो 15,000 के नीचे बेसिक में है, तो वहां पे जो है एलिजिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर नई जॉब अगर आज ज्वाइन करते हैं तो आज तो 15,000 बेसिक के ऊपर तो ईपीएस अवेलेबल ही नहीं है। ओके, अब एक सवाल मैं पूछ करके आज के सेशन को यहीं पर रैप अप करने वाली हूँ जितेंद्र जी। अगर कोई नौकरी कर रहा है 2014 के पहले से, उस समय उनकी बेसिक चाहे जो रही हो और 8.33% का कंट्रीब्यूशन चल रहा हो एम्प्लॉयर के साइड से, अब शायद उनकी बेसिक 15,000 से ऊपर हो गई होगी, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं हायर पेंशन के लिए? देखिए, एज ऑन जो एलिजिबिलिटी बताती है वो ये कि एज ऑन सितंबर 2014 में आप सर्विस में थे, आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन जा रहा था, लेकिन आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन जो है आपकी हायर बेसिक तो थी, लेकिन आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन जो है 6,500 के अंदर ही कंट्रीब्यूट हो रहा था, तो शायद मेरी राय में एलिजिबिलिटी शायद नहीं बनी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सवाल की प्रेरणा मुझे मिली है, यहाँ पर्वत कुमार का एक लाइव सवाल है वो मैं ले रही थी। वो कह रहे हैं जॉइंट पीएफ ऑन 21st August 2014, बेसिक सैलरी वॉज 10,000, एम आई एलिजिबल फॉर हायर पेंशन बिकॉज नाउ माई बेसिक सैलरी इज 40,000। तो वो आज की बेसिक से मतलब नहीं है, एज ऑन 1st September 2014 में आपका क्या स्टेटस था, आप उस स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या पीएफ के ईपीएफओ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। जैसा मैंने कहा दो क्राइटेरिया है, मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करता हूँ, दो क्राइटेरिया है। पहला, जो एम्प्लॉय 2014 से पहले रिटायर हुए उनके केसेस में क्या उन्होंने ऑप्ट किया था पहले, जिसको ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 6,500 से ज्यादा हो रहा था पुराने अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन ईपीएफओ को नोटिफिकेशन नहीं हुआ, राइट। जो 2014 के बाद रिटायर हो रहे हैं या स्टिल वर्किंग है, तो मेंबर है, उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 6,500। जी जी, तो ये दो क्राइटेरिया है। अब इन्होंने अगस्त 2014 में ज्वाइन किया है, गैप बड़ा ही कम है, क्योंकि सितंबर 2014 का ये रूलिंग जो है एप्लीकेबल होता है। अब क्या ये इनका बेसिक कितना था, कितना कंट्रीब्यूट हो रहा था, उसको देख के ही ये एलिजिबिलिटी अपनी पता लगा सकते हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि पर्वत जो है वो फिट है, क्योंकि उन्होंने 21st August 2014 को ज्वाइन किया तब बेसिक 10,000 थी। हाँ, तब बेसिक 10,000 थी, लेकिन और ईपीएस अगर 10,000 पे कैलकुलेट हो रहा था, क्योंकि 15,000 का अमेंडमेंट 2014 में ही आया, उससे पहले तो यही माना गया कि 6,500 जो आपकी मैक्सिमम सीलिंग है, ठीक है ना, तो शायद एलिजिबिलिटी बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो जैसा मैम ने कहा, हम जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं हम अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। ईपीएफ आपको अच्छे से बता सकता है कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जितेंद्र सर। आज का सेशन हमने देर से शुरू किया लेकिन लंबा भी खींच गया, पर बहुत सारे सवालों को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो छूट गए सवाल वो आप हमें भेजते रहिए, जैसे आप लोग हमें भेजते हैं। आज जितेंद्र सर शुक्रिया, आपने समय निकाला। थैंक यू प्रियंका। और जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपने सवाल जो है हमें WhatsApp पर भेजते रहिए, ईमेल करते रहिए, साथ ही में आप हमारे शो में लाइव भी जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और बता दूँ कि गुरुवार को यानी कि होली के ठीक बाद हम लेकर आएंगे खास हेलो मनी लाइन। ये उन सब के लिए है जो कि अदानी के शेयर में निवेश करते हैं और उससे जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि अब वहां पर रिकवरी नज़र आ रही है। और अगर आप भेजना चाहते हैं अदानी के शेयर से जुड़े अपने सवाल कि आपको आगे क्या करना है, तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर भेजिए, ईमेल कीजिए अपना सवाल। आप जितने क्लैरिटी से लिखेंगे उतने क्लैरिटी से हम जवाब देंगे। मेरे सहयोगी विपुल सिंह गुरुवार को लेकर आएंगे हेलो मनी नाइन। अदानी ग्रुप के शेयरों पर खास नज़र रहने वाली है, क्या चल रहा है वहां पर समझिए। तो ये रहेगी हमारी होली की खास पेशकश कि आखिर क्या करना चाहिए जब आप होली का, जब पूरे त्योहार का थोड़ा सा खुमार जब उतरेगा और आपको लगेगा कि अपने पोर्टफोलियो में अदानी के शेयरों में अब रिकवरी दिख रही है, अब क्या करें, ये सवाल उठ रहा होगा आपके मन में। तो इसी सवाल का जवाब हम आपको गुरुवार को देंगे। आज के लिए इतना ही। तो मुंबई से जो लोग जुड़े थे आज उन्होंने होली मनाई होगी, उनको होली की शुभकामनाएं, और हम दिल्ली वाले मनाएंगे कल। तो आप सबको होली की शुभकामनाएं, आज मनाएं कल मनाएं, बिल्कुल रंगों से भरा रहे आपका जीवन, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।